अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास टेंथ, सब्जेक्ट सोशल साइंस और इसका पार्ट पॉलिटिकल साइंस हम पढ़ रहे हैं। और आज का टॉपिक जो है ये है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। और आज डेट जो है ये है 15 सितंबर 2020। तो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, हमारा इंडिया जो है ये एक फेडरल सिस्टम है। हमारे हिंदुस्तान में पावर जो है वो डिवाइड हैं इसमें बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। और इसी के साथ जहां डेमोक्रेसी है वहां ये पॉलिसी जो है ये बहुत ज़रूरी है। लिंग्विस्टिक स्टेट्स जो हैं ये तो एक बुनियादी चीज़ है इसमें। जैसे कि हम देखते हैं कि इंडिया ने 15 अगस्त 1947 को हमने आज़ादी हासिल की, उससे लेके और 1965 तक, यानी 1965 तक अगर हम देखेंगे तो वहाँ उस वक्त क्या था कि इंग्लिश जो थी वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनी हुई थी। लेकिन सिंस द 1965 उससे लेके 1965 से उसको अबॉलिश किया गया और हिंदी जो है हमारी नेशनल लैंग्वेज भी है और ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज भी बन गई। तो अगर हम देखते हैं कि हमारी लैंग्वेज जो है वो है 120, सपोज करते हैं हम अगर 121 जबानें बोली जाती हैं हिंदुस्तान में, क्योंकि हिंदुस्तान जो है ये पूरी वर्ल्ड के अंदर मल्टी लैंग्वेजेस, मल्टी रिलीजन्स, मल्टी कल्चर्स और मल्टी रीजन्स के लोग इसमें रहते हैं, डाइवर्सिटी है। तो इसलिए यहाँ जो लैंग्वेज जो हैं 121, इसमें से 22 लैंग्वेज जो हैं ये शेड्यूल में, शेड्यूल 8 में आती हैं और बाकी लैंग्वेज जो हैं वो नॉन शेड्यूल में आती हैं। यानी जैसे सेंट्रल सर्विस एग्जामिनेशन होते हैं तो उनमें से इन ही जो शेड्यूल में लैंग्वेजेस हैं इन ही लैंग्वेजेस में उनको ऑप्शन दिया जाता है। तो हालांकि स्टेट की अपनी लैंग्वेज भी होती है, तो हम देखते हैं शेड्यूल की लैंग्वेज जो हैं वो 22 हैं और बाकी क्या हैं, नॉन शेड्यूल में आती हैं। तो 1965 में हमने ये देखा, 1947 से लेके वहाँ जो स्टेट ओल्ड पैटर्न की थी उसके बाद में स्टेट्स जो थी, एक तो कुछ स्टेट्स ऐसी हैं उनका एरिया भी चेंज हुआ, उनके नेम भी चेंज हो गए और उनकी बाउंड्री भी चेंज होगी। वो क्यों चेंज होगी कि ये इंश्योर करना है कि जिस इलाके के जो लोग हैं वो जो जुबान बोलते हैं तो वो उसी ही स्टेट में रहने चाहिए। तो बाकी चीज़ों को देख के और ये हमारा जो फेडरलिज्म है इसको देखते हुए, हालांकि ये आसान बात नहीं है, तो बहुत बड़ी डिफ़िकल्ट बात है, तो इसको चेंज करना, बाउंड्रीज को चेंज करना। और कुछ स्टेट्स हैं वो नई क्रिएट होगी, बहुत सारी स्टेटें नई क्रिएट होगी जिनमें चेंजेस आ गए। वो स्टेट कौन सी हैं, जैसे नागालैंड है, झारखंड है, उत्तराखंड है, ये स्टेट्स जो हैं। अब हम देखते हैं कि इन 1947 द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया वेर चेंज्ड इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स। दिस वॉज डन टू इंश्योर द पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट। Some states were created not on the basis of language but to recognize differences based on culture, ethnicity or geography. These include states like Nagaland, Uttarakhand and Jharkhand. अब हम देखते हैं कि when the demand for the formation of states on the basis of language was raised, some national leaders feared that it would lead to the disintegration of the country. The central government raised linguistic states for some time, but the experience has shown that the formation of linguistic states has actually made the country more united. It has also made administration easier. तो बेटा आज का टॉपिक जो है ये हमने linguistic states पढ़ा, तो ये खत्म हो गया। तो इंशाल्लाह कल हम दूसरा टॉपिक उठाएंगे। इसमें हमने यही पढ़ा कि जो लैंग्वेजेस बोली जो जाती हैं, जैसे हमने देखा कि 121 लैंग्वेजेस हैं हमारी, उसमें से 22 लैंग्वेजेस हमारी शेड्यूल में आ गई जो शेड्यूल में हैं। दूसरा अब हमने इसमें ये सीखा कि इंडिया जो है, इंडिया इज़ ए फेडरल कंट्री। तो फेडरल कंट्री में ऑलरेडी हमने बहुत बार डिस्कस किया है पहले टॉपिक में भी कि पावर जो है वो शेयर हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड एनी अदर यूनिट ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे पंचायत है, म्यूनसिपलिटी है। तो ये देखा गया कि 1947 से जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ
उसके बाद में कुछ स्टेट्स ऐसी थी जिनके नेम भी चेंज होगी, उनकी बाउंड्रीज भी चेंज होगी, उनकी एरियाज भी चेंज होगी, और कुछ स्टेट ऐसी हैं जो नई क्रिएट होगी। उसमें जो पॉलिसी मेकर जो हैं उन्होंने ये पाया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो उसी स्टेट जो ज़बान बोलते हैं वो उसी स्टेट में रहने चाहिए। लेकिन ये हर स्टेट में ये नहीं पाया गया, लेकिन कुछ स्टेट ऐसी भी हैं जिनकी क्रिएशन उस बेस पर होगी कि उनकी जियोग्राफिकल कंडीशन कैसी है या उनका कल्चर कैसा है। इसको भी देख के जो स्टेट्स जो इंडिया में नई स्टेट बन गई या पुरानी स्टेट जो थी उनकी बाउंड्री चेंज हो गई, तो ये भी देखा गया। हालांकि इट वाज ए वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी लिंग्विस्टिक स्टेट्स जो हैं एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड। अब इसको हम देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स जो हैं, लिंग्विस्टिक स्टेट्स की बुनियाद पर एक्चुअली देखा यह जाता है कि ये चीज़ हमारे इंडिया की जो यूनिटी है इसको मोर यूनाइटेड करती है। इट हैज़ आल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर, और एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है उनको भी अपना काम काज चलाना जो है वो आसान हो जाता है। थैंक यू बेटा वेरी मच।